नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको NIACL AO की जो भर्ती आई है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसमें आपको कुल 450 पद देखने के लिए मिलेंगे। तो पदों के नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, अप्लाई डेट क्या है, सिलेबस, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, फुल डिटेल आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि आपसे कोई भी सरकारी नौकरी के जो वैकेंसीज आती है उसकी जो भर्ती है वो मिस ना हो, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि नई वैकेंसी आ रखी है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अप्लाई करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, वो पूरी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं। आपको कुछ नहीं, पैसा नहीं लगता है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि जैसे ही कोई वीडियोज़ अपलोड होंगी हमारे चैनल पर तो आपको मिलती रहेंगी। तो उससे आपको क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जो नई वैकेंसी है, आपका एग्ज़ाम डेट है, फिजिकल डेट है, तो वो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि NIACL की जो ये वैकेंसीज है, ये ऑर्गेनाइजेशन है न्यू इंडिया असोर्स, और पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेट ऑफिसर्स की ये वैकेंसीज है। कुल जो पद है वो 450 है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तब भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी प्री और मेंस ऐसे दो एग्ज़ाम होंगे। इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो 80,000 पर मंथ होगी, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो कि newindia.co.in है। और इसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है वो 27 जुलाई 2023 को हुई है, और इसका जो ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट है वो 1 अगस्त 2023 है, और लास्ट डेट जो है 21 अगस्त 2023 है। इसके एडमिट कार्ड जो है वो जैसे ही आएंगे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन इसका जो फर्स्ट प्री एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर 2023 को है, और इसका जो मेन एग्ज़ाम है जिसे एग्ज़ाम 2 बोला गया है वो 8 अक्टूबर 2023 को है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। जनरल जो है, जर्नलिस्ट, रिस्क इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, लोकल, अकाउंट, हेल्थ, आईटी सेक्टर वगैरह की जो भी है कैटेगरीज वाइज यहाँ वैकेंसी दी गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल सबका टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी और आपका भी, तो वीडियो जितनी छोटी बनेगी उतना ही अच्छा रहेगा। बस क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। SC ST PWD कैटेगरी के लिए 850 रुपये चलान है, और जो SC ST PWD कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये चलान है। मतलब कैंडिडेट जो अदर देन SC ST PWD के जो कैंडिडेट है उनको 850 है, और SC ST PWD कैटेगरी को 100 रुपये चलान है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आप इंडिया, नेपाल, भूटान से भी हो तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट है उनको परसेंटेज के हिसाब से जो है आप इसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ही है, और 60% मार्क्स जो है मार्क्स है वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो OBC और ओपन में आते हैं, लेकिन SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है 55 नंबर है। ठीक है, इसमें रिलेक्शन वगैरह भी मिलता है आपको, एज रिलेक्शन। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं जिनके हाथ पैर थोड़े डिसेबल होते हैं उनके लिए 10 साल है। एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल है, और डिसेबिलिटी जो सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 45 साल है। ठीक है, और बात करें इसके एग्ज़ाम की तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पहला, दूसरा जो होगा वो भी ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप में होगा, और फेज तीसरा जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन होगा ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करके जाना है। बात करें इसके सिलेबस की तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और नंबर मैथ, ऐसे इंग्लिश का आपको 30 क्वेश्चन, 30 नंबर और 20 मिनट मिलेंगे ड्यूरेशन। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट मिलेंगे। मैथ के लिए आपको 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट मिलेंगे। टोटल ऐसे 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा।
पहला जो सिलेबस मैंने दिखाया वो सबके लिए कॉमन है क्योंकि वो प्री एग्ज़ाम था। अब नीचे जो जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पोस्ट वाइज है और इनका पोस्ट वाइज सिलेबस अलग है और इनका एग्ज़ाम भी अलग होगा, ठीक है। ये जर्नलिस्ट का सिलेबस है, ठीक है, ये स्पेशलिस्ट का सिलेबस है, ठीक है दोस्तों, ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है, और ये प्री एग्ज़ाम के जो सेंटर है, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या पूछा जाएगा, टॉपिक वाइज सिलेबस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है। 80,000 रुपये पर आपको इसमें सैलरी मिलेगी और 2021 का कट ऑफ क्या रहा था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। युवा ओपन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एचआई ओसी वीआई आईडी एमडी सबका कट ऑफ क्या गया था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और प्रीलिम का जो कट ऑफ था 2021 का वो इंग्लिश लैंग्वेज का और रीजनिंग का और मैथ का यूआर और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का क्या गया था वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, आंध्र प्रदेश में बहुत से है, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और नाहरलगुन कुछ है, आसाम बिहार चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ दादरनगर हवेली दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड ओडिशा पांडिचेरी पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु तेलंगाना त्रिपुरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, ये सारे जो स्टेट है इनमें जो जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर इसका सिलेबस इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट वगैरह एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब कुछ जानकारी मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दी है। आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मैं मिलता हूँ आपको नए और नई वैकेंसीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।